अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ कॉफ़ी चीनो की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि मैंने बिना किसी मशीन के बनाई है। तो फिर चलिए देखते हैं ये कॉफ़ी चीनो मैंने कैसे बनाई है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएँ और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दें। कॉफ़ी लिए मैंने 1 टेबल स्पून, आप किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी ले सकते हैं। शक्कर लिए मैंने 1 टेबल स्पून। नीम गर्म पानी चाहिए हमें 2 टेबल स्पून और 1 कप मैंने दूध लिया है। और इसके अलावा हमें चाहिए ये छोटी प्लास्टिक की बॉटल। तो एक छोटे प्याले में हम ये कॉफ़ी पाउडर डालेंगे। शक्कर भी हम इसमें ऐड करेंगे और ये नीम गर्म पानी भी हम इसमें डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो हम इस कॉफ़ी के मिक्सचर को इस प्लास्टिक बॉटल में डाल देंगे। तो देखिए, मैंने प्लास्टिक के बॉटल में ये कॉफ़ी के मिक्सचर को डाल दिया है। अब हम बॉटल के ढक्कन को बंद करके इसे 6 से 7 मिनट अच्छे से शेक करेंगे और इसी के साथ हम दूध को भी रख देंगे गर्म होने के लिए। तो इसे मैंने 6 से 7 मिनट अच्छे से शेक कर लिया है। तो कॉफ़ी हमारी तैयार है, अब हम इसे 1 कप में डाल देंगे। और ये जो दूध हमने रखा था गर्म होने के लिए वो भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ये गर्म किया हुआ दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ी शक्कर और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, इसे मैंने मिक्स कर लिया, अब हम बाकी की कॉफ़ी भी इसमें डालेंगे। तो तैयार है हमारी कॉफ़ी चीनो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।